यस। हरिणी के ठीक होने के बाद क्या अलग हो जाएंगे सवी और ईशान? वेल, आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में हरिणी होने वाली है पूरी तरह से ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरिणी की वजह से ही ईशान ने सवी से शादी की थी। ईशान का ये कहना था कि सवी का उसका अपना कोई भी नहीं है और इसीलिए ईशान ने सवी से शादी की थी। लेकिन अब हरिणी ठीक होने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ईशान की वजह से। जैसा कि आज के ट्रैक में आपने काफी सारी चीजें देख ही ली होंगी, आपने देखा होगा कि कैसे ईशान और सवी दोनों जो हैं बहुत परेशान थे, क्योंकि हरिणी जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहां की हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हरिणी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। अब दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ हरिणी शिफ्ट हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ ईशान की वजह से, और कहीं ना कहीं ईशान की वजह से ही हरिणी की जान बच पाई है, जिसके बाद सवी जो है बेहद खुश दिखी। सवी ने ईशान को गले से भी लगा लिया, काफी अच्छे मोमेंट हुए। लेकिन अब हरिणी की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं हरिणी पूरी तरह से ठीक नजर आ रही है। ये फोटो जो है वीडियो की है। अब वीडियो को खुद अंकिता खरे यानी कि हरिणी ने अपने इंस्टाग्राम से शेयर किया है, जिसमें सवी भी नजर आ रही है। अब हरिणी को देखकर ऐसा लग रहा है कि हरिणी पूरी तरह से ठीक होने वाली है, यानी कि जिस बात का इंतजार था सवी को वही होने वाला है। अब सवी की ताई हरिणी ठीक हो जाएगी तो क्या सवी घर छोड़कर चली जाएगी? क्योंकि आप तो जानते हैं कि भाई हरिणी की वजह से ही सवी ईशान के साथ अपने रिलेशन को निभा रही थी, और जब हरिणी ही ठीक हो जाएगी तो सवी जो है उसका क्या फैसला होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब वहीं पर आज हमने काफी सारी चीजें नोटिस की, किस तरह ईशान जो है सवी की बहन हरिणी के लिए बहुत सी चीजें करता हुआ नजर आया, जिस तरह सवी की बहन की ईशान ने केयर की, जिस तरह उसको हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, वो चीजें वाकई में काबिलियत तारीफ थी। फैंस खुश भी हो गए थे। इसके बाद सवी ने ईशान को गले से भी लगा लिया था। लेकिन अब जहां हरिणी की तबीयत ठीक होने वाली है, इसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई सीरियल की कहानी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सवी ईशान के साथ नहीं रहना चाहती, और वो कहीं ना कहीं ये बात जानती है कि एक ना एक दिन उसे ईशान से अलग होना है, क्योंकि जब तक उसकी हरिणी ताई ठीक नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक वो वहाँ पर रह रही है, उस घर में रह रही है। अब इन सब के बाद सुरेखा वगैरह का क्या फैसला होगा, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्वा हो या फिर सुरेखा, ये लोग यही वेट कर रहे हैं कि कब सवी की ताई जल्दी ठीक हो और कब सवी इस घर से जाए। आपका क्या कहना है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर? क्या आप ईशान सवी को अलग होते हुए देखना चाहते हैं, या फिर साथ में? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। और इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।